सलाम। तो ये स्विमिंग पूल आपका तैयार है? जी स्विमिंग पूल तैयार है माशाल्लाह। बच्चियाँ अपनी मर्जी से भी आ जाएंगी इसमें? अच्छा बच्चियाँ भी तैयार हैं आने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही, तो ये स्विमिंग पूल तो काफ़ी बड़ा बन गया इनके लिए। हाँ भाई, ये स्विमिंग पूल बनाने का मकसद ये होता है कि ना, ये उसमें आके ज़्यादा मस्ती करती हैं स्विमिंग पूल में, फिर अंडे ज़्यादा देती हैं, जल्दी अंडे दे देती हैं। अच्छा तो मेरा भाई ये ना मग डाक, ये देख व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये किस तरह हमने इनको पालने की बड़ी मेहनत है इनमें, इनको पालना, इनको इनकी ब्रीड कराना, इनकी केयर करना इनकी है बहुत मुश्किल है। इनमें ना कोई बीमारी लगती नहीं है वैसे, इनमें कोई बीमारी नहीं होती, बस इनमें ना एक बीमारी थी कि जब सुबह सुबह खोले ना तो इन्हें पानी में न जाने दे सुबह सुबह। अच्छा सुबह सुबह इन्हें पानी में? बिल्कुल हरगिज़ नहीं। हाँ हरगिज़ नहीं, क्योंकि इनकी टांगे ना। तो गर्मियों में अगर हम जाने दें? गर्मियों में कोई मसला नहीं, गर्मियों में बहुत गर्मी होती है, सर्दियों में ना बहुत ठंड होती है। सुबह सुबह आप जैसे इन्हें 12 बजे जाने दें तकरीबन पानी में। अच्छा क्योंकि ना ये जिस टाइम पानी में जाती हैं ना सुबह सुबह, तो इनके ना टखने जो होते हैं ना पाँव के जोड़, अच्छा वो उसमें ना दर्द मच जाता है और वो ना टूटने वाला हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये अब डर रही है अंदर जाने से? क्या चक्कर? इन्हें लग रहा है कि पानी बहुत नीचे गहरा है, तो ये इसलिए। तो ये क्या गहरे पानी में, ये परिंदा गहरे पानी गई तो है? हाँ ये ऐसा जाएगा ना अंडे देने के बाद गोड़ पे बैठ। हाँ ये पूरा साल। तो अभी आपकी इसकी क्या उम्र है अंडे की दे रही है ये? अभी तो मुझे कुछ कम उम्र की लगती है, 4-5 महीने की लगती है। इसका मतलब अभी ये अंडे नहीं दे रहे? इनके लिए आप फीड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें खिलाने के लिए। अच्छा आप एक मग के साथ 3 डक्स रख लें, ठीक है, बहुत होंगी। अच्छा। 4 रख लें बहुत होंगी, ठीक है, मग डक। तो उसके बाद मैं इन्हें बाजरा यूज़ करवाता हूँ पेट में, ठीक है, बाजरा यूज़ हो गया, गंदम होगी, चावल हो गए। अच्छा। ठीक है, अभी तो इन्होंने खा जाती हैं, ये खाती है बाजरा यूज़ कराते हैं। और ये ना उड़ के ना छत पर बैठ जाती हैं, ये बाकी बच्चों की तरह वो नहीं है। किस छत पर बैठ गई थी ये? सामने वाली छत पर। सामने वाली छत तो मैंने इनके पार काट दी है, ठीक है, क्योंकि जब ये उड़ के नीचे आती है ना तो इनकी टांगे टूटने का खतरा होता है, पार ख़राब हो जाते हैं इनके, ठीक है, गर्दन शर्दन टूट जाती है नीचे गिर के, इसलिए मैंने इन दोनों के पार काट के मैं करवाऊँगा। जब इनके बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे, अच्छा, तो मैं सेल करूँगा, किसी मेरे व्यूवर को चाहिए हो तो मैं उसे सेल कर सकता हूँ। लेकिन वो आपके व्यूवर्स को चाहिए कि उनको सही केयर, इस तरह की केयर से रखें, वरना तो फिर कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। हाँ ये वरना इन्हें आप बांध तो ना रखें बिल्कुल भी, ठीक है, ये जुल्म होगा जानवर पर, फिर वो आपको इतनी अच्छी ब्रीड भी नहीं देगा, फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। मैं अपने व्यूवर को सस्ते में बेचूँगा, ठीक है, सस्ते में बेचूँगा। वैसे तो मैं दुकान पर महंगी बेच सकता हूँ, अगर मैंने किसी व्यूवर को चाहिए तो मैं बेच सकता हूँ, तो वैसे मैं दुकान पर बेच दूँगा, तो ठीक है, इनकी मार्केटिंग भी होगी अच्छी इंशाल्लाह। अच्छा इन्हें क्या हुआ अचानक से ये भागना स्टार्ट? ये मस्ती में है इस टाइम पूरी। अच्छा इंजॉय कर रहे हैं पानी को, इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉयमेंट हो रही है। जी इंजॉयमेंट हो रही है इनकी, बाकी आराम से। ओ ये देख सकते हैं व्यूअर्स ये किस तरह नहा रहा है, आपने इस तरह पानी भर दिया करें गहरी जगह में। तो ये मादा निकल क्यों आई है ये? उसकी मर्जी है मादा की, पानी वगैरह नहीं रहता बिल्कुल नहीं रहता। अगर आपको कुछ और जानना हो इनके बारे में तो फिर आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं, या मैं आपके लिए इनकी वीडियो भी बना दूँ अगर आप कहेंगे कुछ। इनका अंडा मुर्गी से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, जर्दी भी उसकी बहुत रेड होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन भी ज़्यादा होती है, ताकतवर बड़ा होता है इनका अंडा, ये खुद भी बड़ी ताकतवर रहती है खाने में, पालने के लिए बड़ी अच्छी है, ये तंग बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। हाँ ये बात है, तंग नहीं करती, ये तंग नहीं करती मुर्गी की तरह, मुर्गी पालना ज़्यादा मुश्किल काम है, ये पालना ज़रा आसान है, तो ठीक है। लेकिन ये पानी मांगती हैं, ये कहती हैं पानी दो। ओ ये देख सकते हैं ये फुल मस्ती में आ गए हैं जी, ये फुल मस्ती है। आप जैन भाई हमें दिखा रहे हैं कि इसके पार क्यों काटने हैं और कैसे काटने हैं और ये देख लें क्या वजह, क्या ज़रूरत क्या पड़ी कि इनके पार काटने पड़े, बताएं। आपने कहना पहले 10 पार काट दें, ठीक है, क्यों? ये ना उड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, ठीक है, अच्छा, तो ना जब ये नीचे गिर आते हैं तो ये गिरते हैं आके, तो इनकी ना वो टूट सकती हैं टांगे शांगे, गर्दन पीछे से मोड़ के टूट सकती है, ठीक है, ये पार ख़राब हो सकता है इनका, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देख ले मैंने कैसे काटे में, और ये एंड वाले नहीं काटने, ये इन्हें गर्माइश रखते हैं, ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स, और ये फीड में पालक भी खा लेती हैं, ठीक है, आप इन्हें पालक ला के डाल दें, बड़े शौक से खाएंगी, इतने शौक। पालक का कोई पड़ा है आपके पास? ये सारी खा गई है, इसीलिए नहीं पड़ा जी, ये खा जाती है, बहुत शौक से खाती है। चलो ठीक है।
चलें ठीक है।